वेलकम टू एमएसए एग्जाम्स। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सातवां चरण शिक्षक का जो बहाली आने वाला है, इसमें 60-40 का जो नियमावली है वो क्या है और इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, इसी को हम आज समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इसको अंत तक देखिएगा कि सातवां चरण में जो है किस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो आपको स्क्रीन पर आपको नियमावली का जो नियम है, जो फॉर्मूला है, जो अभी तक ऑथेंटिक तो नहीं है लेकिन जो व्हाट्सएप में जो सर मतलब घूम रहा है उसी को हम बेस बना करके बता रहे हैं कि अगर इस तरह का रहा 60-40 का रेशियो में तो किस तरीके से इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो हम मान लेते हैं कोई अभ्यर्थी है जिसका, मान लेते हैं 10th में 350 मार्क्स है आउट ऑफ 500, तो इसका जो परसेंटेज हो जाएगा 10th क्लास में उस अभ्यर्थी का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 70। अगर 12th की बात करें, मान लेते हैं कि 12th में 340 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500, तो इसका जो परसेंटेज हो जाएगा 68%। ठीक है, इसी तरीके से बैचलर डिग्री, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, इसमें मान लेते हैं अगर हम नॉर्मली अगर देखें तो बिहार में 1500 नंबर का ग्रेजुएशन होता है, तो इसमें आपको मान लेते हैं कितना है, मान लीजिए 950 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1500, तो यह जो आपका है परसेंटेज कितना हो जाएगा, 63.33%। और मान लेते हैं आपका जो ट्रेनिंग हुआ होगा बीएड या डीएलएड, अगर डीएलएड किए होंगे और ग्रेजुएशन होंगे तो भी आप 68 के लिए एलिजिबल होते हैं, और अगर डीएलएड होगा तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें मान लेते हैं कितना है, 1250 है 1500 में, तो ये कितना हो जाएगा, 83.33%। यहाँ पर जो हम 1500 लिए हैं बीएड के, यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी का नियम रोल अलग अलग है, कहाँ पर कितना पे लिया है वो कुछ पता नहीं, सबका अपना अपना सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो किया था 3000 मार्क्स में था, उसके अलावा जो बाद में फिर सिलेबस चेंज करके 2000 मार्क्स पे कर दिया उसको, तो और ऐसे देखा जाए तो हर यूनिवर्सिटी का जो फुल मार्क्स होता है अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से आपका जो भी परसेंटेज आ जाएगा उसको। तो हमको क्या करना है, अगर हम निकालना चाहें किसके लिए, 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए निकालिए या 1 to 5 के लिए निकालिएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा। 6 to 8 में, 1 to 5 में क्या हो जाएगा, वो ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, तो मान लेते हैं इन तीनों को ऐड करते हैं, इन चारों को ऐड करेंगे अगर तो भी हो जाए, हम मोबाइल में कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 284.66। अब यहाँ पर चार सब्जेक्ट था तो चार से इसको हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं चार से, तो आपका ये आ रहा है 71.165, ये आपका एकेडमिक मार्क्स हो गया। ठीक है, और मान लेते हैं आपका सीटेट में या बीटेट में आउट ऑफ 150, 100 मार्क्स आया, ठीक है, इसका जो परसेंटेज हो जाएगा वो 66.66% हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, टेट वाला जो मार्क्स होगा इसका 60% लेना है, तो हमको क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 66.66 का 60% प्लस यहाँ पर जो आपका एकेडमिक्स मार्क्स आया था, यहाँ पे 71.165 इसका 40%, यानी कि 0.4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब हम इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 66 × 66.66 × 0.6, ये हो जाएगा 39.996 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 71.165 × 0.4, तो ये हो जाएगा 28.96
4, 6, 6। आज अब दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, +39.996, तो ये बन जाएगा आपका 68.462। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा आपको इस तरह से हो जाएगा, जो छठे चरण तक में होता आ रहा था कि सीटेट का मार्क्स दो वेटेज मिलता था सीटेट का, वो अब नहीं मिलेगा। यानी कि अभी क्या हो गया कि अगर आप जितना नंबर ज़्यादा लाएंगे सीटेट में आपको उतना ज़्यादा फायदा है, पहले इस तरह का नहीं था। आप 104 नंबर तक लाएँ या फिर 83 नंबर लाएँ, आपको जो वेटेज मिलता था सीटेट का वो बराबर मिलता था, लेकिन अब जैसे एक नंबर में ज़्यादा लाएंगे तो उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर किसी का एकेडमिक मार्क्स में कम ही नंबर है तो वो सीटेट में अच्छा मेहनत करके, अच्छा नंबर ला करके भी अच्छा स्कोर, अच्छा मेरिट लिस्ट तैयार कर सकता है।